2050 में टेक्नोलॉजी और इंसानों का तालमेल, जिससे इंसानों की बॉक्सिंग खत्म हो गई क्योंकि लोग अब रोबोट की बॉक्सिंग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। चार्ली अपने समय का नामी बॉक्सर था और अब रोबोट को ट्रेन करता था। वो एक ऐसा मैच लड़ता है जहां रोबोट को बैल के सामने टिकना था। चार्ली वाहवाही के चक्कर में अपने रोबोट का नजर हटी दुर्घटना घटी करवा लेता है। चार्ली को नया रोबोट लेना पड़ता है और एक बार फिर वो पैसों के लालच में उसका हाल खराब करवा लाता है। चार्ली के बेटे मैक्स को एक रोबोट मिलता है जिसको सही करने पर उसका नाम एटम पता चलता है। एटम के पास किसी भी इंसान की नकल करने का हुनर था। मैक्स इस चीज को समझते ही उसे चार्ली से ट्रेन करवाता है और एक के बाद एक मैच जीतकर पैसे कमाता है। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी बनने पर मैक्स एटम के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक रोबोट जूस को लड़ने का चैलेंज करता है और फिर रिंग में जूस एटम का जूस निकालकर उसे पहले दो राउंड हरा देता है।